अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आयशा ब्लॉग्स। और मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग रिव्यूज शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आप लोगों के साथ आगा नूर का जो न्यू कलेक्शन है वो शेयर करूंगी। और ये जो इनका आगा नूर का न्यू कलेक्शन आया है वो नेट के ऊपर है और इसके ऊपर आर का काम है। और क्योंकि ये वेडिंग सीजन है इस लिहाज से आगा नूर का जो कलेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा पर्ल करदाना दबके का काम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। और आप इनके साथ बनारसी ट्राउज़र कैरी कर सकते हैं जो मैंने भी स्टाइलिंग की है, और मैंने आगा नूर से ही अपना ड्रेस लिया है 2 दिन का जो मेरी कज़न की शादी पे मैं वेयर करूँगी। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने उसको कैसे स्टाइलाइज किया और मैंने कैसे उसको फैंसी लुक दी, जो मैं दोनों तरीके से पहन सकती हूँ। मैं कैजुअल भी वेयर कर सकती हूँ और एज अ फैंसी ड्रेस के तौर पर भी वेयर कर सकती हूँ। जैसे ये वाला ड्रेस है, ये बिल्कुल आप इसको नॉर्मल भी कैजुअल भी वेयर कर सकते हैं, और इसको थोड़ा फैंसी, अगर आप बनारसी ट्राउज़र लें तो इसको आप फैंसी लुक भी ला सकते हैं। ये वाला जो ड्रेस है इसके ऊपर जो है वो क्रोशिए की लैस लगी हुई है और पर्ल की लैस भी लगी हुई है, जो इन्होंने जो है ये इसका स्टाइल ऐसा बनाया कि ए लाइन है और इसके बिल्कुल छोटे से जो चाक होते हैं 10 से 11 इंच के इन्होंने चाक रखे हैं। और ये भी क्योंकि इन आउट रहता है, आप इसको कैरी कर सकते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये वाला जो है ये मेरी सिस्टर ने लिया है, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसको कलियों वाला पेपलम फ्रॉक भी कहेंगे और कलियों वाला फ्रॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ नहीं है, मीडियम नी तक लेंथ है इसकी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ। और ये वाला जो है मैंने आपको बताया वेडिंग सीजन है, आप इसे 2 तरह से कैरी कर सकते हैं। अगर आप प्लेन सिल्क के ट्राउज़र के साथ पहने तो ये आप कैजुअल भी वेयर कर सकते हैं, और अगर आप इनको बनारसी ट्राउज़र के साथ लें तो आप इसको एज अ पार्टी वेयर के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं। और ये तो मायो की ब्राइड के लिए भी बहुत खूबसूरत है, अगर वो नीचे शरारा बनवा लें और उसके साथ दुपट्टे की चारों साइडों पे कोई फैंसी लेस लगवा लें, कलरफुल सा कम्बिनेशन करवा लें शॉकिंग पिंक के साथ भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और आजकल तो बहुत ही खूबसूरत बनारसी आए हुए हैं चीज़ें, वो भी आप इसके साथ, इवन के इसके साथ आप लहंगा भी वेयर कर सकती हैं। और ये वाला जो रेड ड्रेस है ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। इसमें 2 कलर थे, एक वो जो स्किन गोल्डन शेड जो सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था, और एक ये है। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। रेड का एक अपना बहुत खूबसूरत क्रेज़ है, और इसके साथ आप गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और वो जो गोल्डन था आप उसके साथ रेड और कोई भी डार्क शेड आप उसके साथ कैरी कर सकते हैं। और ये वाला जो ड्रेस है ये भी बहुत खूबसूरत था। ये थोड़ा ऊपर से, मतलब फ्रंट साइड से थोड़ा हाइट में था और बैक से ये थोड़ा लॉन्ग था, तो बड़ा ही खूबसूरत ए लाइन शेप की ये स्टाइल का ड्रेस था, तो बहुत ही खूबसूरत। और ये ओपन स्टाइल था थोड़ा, और फ्रंट से बंद था और साइड थोड़ा ओपन सा था। और ये वाइट वाला ये भी बहुत खूबसूरत है, और आर का काम तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था नेट के ऊपर। ये वाला जो ड्रेस है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, और इसके साथ ना सिल्क के दुपट्टे भी थे, क्योंकि ये 2 पीस था और ये 7,050 रुपीज़ का था, जो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे, क्योंकि इसके दुपट्टे बड़े ज़बरदस्त थे। बहुत क्यूट ड्रेस था, मतलब जो कपड़े देखते ही हो ना कि बस ये ले लें, वैसे ये ड्रेसेस थे, तमाम ही बहुत खूबसूरत थे।
और ये वाला जो ड्रेस है ये लॉन के ऊपर था और इसकी जो प्राइस थी वो 5,000 थी। आगा नूर के जो अगर टू पीस अगर आपने लेने हैं जैसे शिफॉन दुपट्टा, वो जो वाइट वाला मैंने आपके साथ शेयर किया, वो 7,000 कुछ का 7,500 कुछ का था। और जो ये ऐसी शर्ट्स हैं जैसे पेपलम फ्रॉक स्टाइल हैं, वो तकरीबन 6,000 6,500 से लेकर 5,000 की रेंज में थी। और ये वाला जो ड्रेस है ये लॉन का था और ये टू पीस ड्रेस है, ये 4,500 मतलब 4,400 का था। इसके ऊपर मिरर वर्क हुआ हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आपके साथ शूज़ की भी थोड़ा सा रिव्यू शेयर करूँगी कि आजकल कैसे शूज़ इन हैं। और यहाँ पे मैं आई हूँ अलमास के ऊपर। अलमास जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड है और इनकी जो आउटलेट है वो फ़िलहाल सिर्फ सेंटोरस में अवेलेबल है इनकी आउटलेट, और इसके अलावा जो कराची में है वो इनकी कमिंग सून है। और इसके अलावा जो इनका मतलब मैं कहूँगी जूतियों की जो इनकी कलेक्शन है वो बहुत ही खूबसूरत थी, और क्योंकि मेरी सिस्टर इनकी जूतियाँ वगैरह लेती रहती हैं शूज़। और काफ़ी अच्छा मटेरियल है इनका, और इनका स्पोर्ट्स का भी एक सेक्शन है जहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ लेडीज़ के भी और जेंट्स के भी अवेलेबल हैं। और इनका एक स्पोर्ट्स के जैसे ट्रैक सूट्स वगैरह होते हैं और ट्राउज़र वगैरह लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी पूरा सेक्शन है इनका। जो स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं वो अलमास के ऊपर ज़रूर विज़िट करें, उनको बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ से अवेलेबल है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट हुआ है तो इनके पम्प स्टाइल और जो है वो कोट शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी आजकल आई हुई थी। और यहाँ पर जो थे क्लचेस वगैरह भी बड़े खूबसूरत थे क्योंकि वेडिंग सीज़न से रिलेटेड ही तमाम डिज़ाइनर्स अपनी कलेक्शन लेके आते हैं। और पाकिस्तान में क्योंकि सर्दियों का नाम सुनते ही एकदम से जहन में आता है कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उसी लिहाज से शूज़ ज्वेलरी बैग्स और मतलब कुछ भी कपड़े वगैरह सब जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो थोड़ा उसमें एक ग्लिटरी इफेक्ट लेके आए, ग्लिम्स ग्लैम्स की तरह की कोई चीज़ें लेके आए, मतलब ग्लिटर थोड़ा उसमें ऐड हो और थोड़ा फैंसी लुक का भी हो और कैजुअल लुक की भी चीज़ें हों जो बहुत ही खूबसूरत है। इनके क्लचेस मुझे बड़े पसंद आए और इनकी जो प्राइस रेंज थी वो भी 5,000 से लेकर 2,000 तक की रेंज के ये क्लचेस थे। जो ये वाले क्लचेस हैं ये भी 5,500 की रेंज में थे और कुछ 7,000 की रेंज में भी थे। और यहाँ पे मैं आपके साथ ये वाले क्लचेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये मेटल के क्लचेस थे और बॉक्स स्टाइल क्लचेस आजकल काफ़ी इन हैं और ये कैरी करना भी बड़ा मतलब आप इसको हैंड कैरी भी कर सकते हैं और इनकी साइड पे आप इनको चेन के थ्रू भी आप कैरी कर सकते हैं। आजकल जो है वो क्रिस्टल बड़ा इन है शूज़ में और जो पेंसिल हील्स हैं खासतौर पर उनमें। तो आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।